है ना। जैसे कि आज हम सब लोग इतिहास एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र यहाँ इकट्ठित हुए हैं, आज अपना जो सबसे प्रबल दो टॉपिक हैं पूंजीवाद और समाजवाद। अक्सर हम नाम सुनते आए हैं पूंजीवाद का और समाजवाद का, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि पूंजीवाद है क्या और समाजवाद क्या है और इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है ना। पूंजीवाद सीधे सीधे देखिए, बात का मतलब होता है विचारधारा, है ना, समर्थन, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो सिर्फ जो निजी होती है और किसके लिए होती है, लाभ कमाने के लिए होती है, ठीक है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो निजी होती है और लाभ कमाने के लिए होती है। जबकि अपन बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद भी एक आर्थिक व्यवस्था है लेकिन यह पूरे समाज के लिए होती है, निजी नहीं होती है ना, जबकि ये निजी होती है, निजी यानी प्राइवेट, है ना। और इसमें जो लाभ होता है, लाभ सीधे सीधे एक ही व्यक्ति के पास जाता है। आप यहाँ देख रहे हो एक पूंजीपति आदमी निवेशक है जिसने पैसा लगाया, फंड लगाया है और जो लाभ है पूरा अपने पास रख रहा है, जबकि सोशलिज्म इसका समर्थन नहीं करता। सोशलिज्म देखिए इसमें एक प्रतिनिधि बना हुआ है, एक साथ पूरे समाज को लेकर चलने के लिए काम करा, वो कहता है कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें किसी एक व्यक्ति को लाभ होगा, बल्कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसमें पूरा समाज एक साथ मिलकर काम करेगा और लाभ भी पूरे समाज को ही होगा। आज हम देखें पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा समर्थक है वो है अमेरिका, और समाजवाद का कौन है, रूस, है ना, रूस समाजवाद का समर्थक है। अभी भी इन दोनों के बीच लड़ाई चली आ रही है ना, ये कहता है पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं और ये समाजवाद को। कुछ देश क्या हुए, कुछ देश पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं और कुछ देश समाजवाद, तो इसलिए दो ग्रुप में बढ़ गया था। आप लोग देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा जो वर्ल्ड था दो ग्रुपों में बढ़ गया था। आगे चलते हैं, कैपिटलिज्म के जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, समर्थक रहे हैं एडम स्मिथ रहे हैं, और सोशलिज्म के कार्ल मार्क्स, है ना। एडम स्मिथ का यह मानना था कि यदि किसी देश की जो ग्रोथ है, आर्थिक ग्रोथ जो ऊपर उठने की, वो किस पर डिपेंड करती है, पूंजीवाद पर, है ना। यदि किसी भी देश में जितने ज्यादा निवेशक होंगे वह देश उतनी ज्यादा आर्थिक उन्नति करेगा, है ना। जबकि कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना नहीं है, ये लोग इससे कट्टर विरोधी, इनका मानना है सोशलिज्म का, ये मानना है समाजवाद का, ये पूंजीवाद जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है उसको और बढ़ाता जा रहा है। ये कहते हैं कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, कहते हैं गरीबों का शोषण हो रहा है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, समाजवाद कह रहा है, सोशलिज्म कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा मार्क्सवाद का सिद्धांत, है ना, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के विरोध में एक अपना सिद्धांत दिया था कि आज आप देखते होंगे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, ऐसा क्यों। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, ऐसा क्यों। अगर इसी तरह से पूंजीवाद को और बढ़ावा देते रहेंगे तो एक दिन गरीबों की कमर टूट जाएगी। इनका मानना है कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं, ये लोग सीधे सीधे जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, पूंजीवाद शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका सीधे सीधे एक एम होता है, चाहे किसी भी तरह से हमको पैसा कमाना है। आप लोग देखो होगे कोई भी निवेशक यदि मार्केट में पैसा लगाता है ना, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि मार्केट से इसका डबल कमाए, है ना। वो कोई समाज सेवा के लिए पैसा नहीं लगाता है, चाहे है ना, चाहे आप देखते हैं बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है ना, बैंक हैं, यहाँ आप लोग देखते हो आज बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ये लोग पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाने का इनका सीधे सीधे एक उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। दूसरी चीज यदि हम बात करें कैपिटलिज्म की, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाजार में पैसा एक व्यक्ति नहीं लगाता, बहुत सारे लोग लगाते हैं और हर व्यक्ति बाजार में अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है ना, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीजें भी है जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में नए नए साधनों का उपयोग
किया जाता है, जबकि समाजवाद में नए नए संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। सीधे सीधे एक बात है, एक मुद्दा समझ लेना है, समाजवाद एक सामाजिक विचारधारा है, एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर आते हैं। समाजवाद में कौन आते हैं? जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी स्कूल हैं, है ना, तो किसके अंतर्गत आते हैं? इनका मोटो ये होता है, इनका उद्देश्य होता है कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति, उसके साथ शोषण ना हो, उसके साथ गलत ना हो। जबकि पूंजीवाद का ऐसा मानना नहीं है। पूंजीवाद का मानना यह है कि यदि बाजार में हम पैसा निवेश करते हैं तो उससे हमको डबल कमाना, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, है ना। तो ठीक है, समाजवाद अपनी जगह ठीक है, पूंजीवाद अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन वर्तमान दौर में देखा जाए तो आज अपना जो अपना देश है भारत देश भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि पूंजीवाद जितना मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उसी को उतना टैक्स पे करते हैं, और टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास, उसी से आर्थिक विकास होता है, है ना। आज आप देखते हो अमेरिका कितना ज़्यादा आगे, अमेरिका जो कंट्री है आज काफ़ी ऊंचाइयों में, वहाँ हर व्यक्ति बिजनेसमैन है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? पैसा मार्केट में लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है। एक जो लड़ाई चली आ रही है, लड़ाई 19वीं शताब्दी से चालू हुई है, जब पूंजीवाद आया और उसके बाद समाजवाद आया। तो आप लोगों को याद रहेगा पूंजीवाद के कट्टर प्रवर्तक कौन है? एडम स्मिथ, और समाजवाद के कार्ल मार्क्स। यहाँ देख रहे होंगे आप बड़ी बड़ी कंपनी है जो चित्र बने हुए हैं, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इस डायग्राम में क्या क्या बताया जा रहा है? इस समाज पूंजीवाद में ये है कि हर काम व्यवस्थित तरीके से और अच्छे से करते हैं, और समाजवाद में ये पूरा खिचड़ी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। जो पूंजीवाद में होता है, पूंजीवाद में कोई भी कार्य एक सिस्टम के तहत किया जाता है, व्यक्ति अपने हिसाब से काम नहीं करता। यदि आपकी टाइमिंग है 9:15 पहुंचने की, तो आपको 9:15 में पहुंचना ही होगा। यदि आपका टाइम बनाया गया, वर्क पीरियड आपका बनाया गया, 9 घंटे काम करना, 10 घंटे तो आपको करना पड़े। जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं है, समाजवाद में लोग किस हिसाब से काम करते हैं? अपनी सुविधा के हिसाब से, है ना, अपनी सुविधा के हिसाब से। यदि कोई आम आदमी बीमार पड़ गया तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा छुट्टी ले लेगा, भाई आज हम बीमार है, भले कितना ही महत्वपूर्ण काम किया हो रुका है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यदि अगर आज आपको काम दिया गया है, ये काम आपको पूरा करना है, तो आप चाहे बीमार हो, चाहे आग लग जाए, चाहे बारिश हो या तूफान आ जाए, है ना, आपको काम करना ही पड़ेगा। ये है पूंजीवाद। जबकि समाजवाद में समाज की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को समान अधिकार है, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है ना, जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं है। तो ये व्यवस्थित तरीकों को प्रदर्शित कर रहा है और अव्यवस्थित तरीकों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग देख रहे होंगे इसमें लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा लड़ाई गई है ना, बहुत सारे लोग जो है तो इसका पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? समाजवाद कर। कुछ लोग पब्लिक जो हुई बहुत सारे, आजकल आप देखते हो लोग क्या करते हैं, काम नहीं करना चाहते, क्या सोचते हैं फ्री में मिल जाए, है ना, उसका कुछ लोग गलत उपयोग भी करते हैं। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना नहीं था, कार्ल मार्क्स क्योंकि उस टाइम ऐसा चल रहा था कि गरीब का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, क्योंकि कोई नियमावली नहीं बनी हुई थी, प्राइवेट जो कंपनियाँ होती थी मनमाने तरीके से क्या करती थी, काम लेती थी और उसके बदले में उतना ज्यादा पे नहीं करती थी, तब उन्होंने समाजवाद लाया। लेकिन अब इसको लोग बागों ने क्या किया, अपने अधिकारों से जोड़ लिया है ना, अधिकार से जोड़ लिया कि नहीं, हर जगह प्राइवेट सेक्टर में भी समाजवाद होना चाहिए, जो कि उनकी नहीं। इसमें बहुत सारी कंट्रीज दी गई है, इधर आपको जो लिस्ट है, इधर जो लिस्ट है समर्थन कर रहे हैं इसका, समाजवाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, जापान है, मेक्सिको है, इधर सूबा सऊदी अरेबिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, बर्मा है, ये लोग इसका समर्थन करते हैं समाजवाद का।
है ना। यदि हम बात करें समाजवाद की और पूंजीवाद के अंतर की, तो बहुत सारे अंतर हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट हैं। लेकिन वर्तमान दौर में यदि हम देखें तो आज देश की, हर देश की जरूरत है पूंजीवाद की। तो किसी भी देश की ग्रोथ तभी होगी जब वह आर्थिक रूप से मजबूत होगा। समाज सेवा करने से कुछ नहीं होता, समाज सेवा भी है ठीक है, समाज सेवा करना चाहिए, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है। क्या आज आप देखते होंगे कि इतनी सारी कंपनियां अगर ना होती तो आज देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती। प्राइवेट सेक्टर ना होती क्या गवर्नमेंट सेक्टर के दम पर देश का विकास हो सकता था? नहीं हो सकता। आज आप देखते हो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बैंक हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग जॉब करते हैं, है ना। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने समर्थन किया, बाद में इन्हीं लोगों ने बोला कि जिस तरह से गवर्नमेंट में सेक्टर में नियमावली बनी हुई है, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी नियमावली बननी चाहिए। काम करने के घंटे तय किए जाने चाहिए, उसका वेतनमान तय किया जाना चाहिए, उसे अन्य सुविधाएं भी प्राइवेट कंपनी मुहैया कराए। दूसरी चीज सबसे बड़ा जो डिफरेंट है कि प्राइवेट कंपनी स्वतंत्र है, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, जबकि सोशलिज्म में, समाजवाद में, समाजवाद में स्वतंत्र है, उसमें किसका नियंत्रण है पूरी तरह से? केंद्र सरकार का, है ना। समाजवाद में केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि व्यक्ति है बहुत सारा पैसा लिए हुए है, हंस रहा, मुस्कुरा रहा है ना। और एक ग्राफ जो बना हुआ है, इस ग्राफ के बारे में हम आपको बता दें, कोई भी निवेशक, ये कौन है, ये निवेशक है जो पैसा लगा रहा है, है ना, उद्यमी है, स्वतंत्र है, ये अपना व्यक्तिगत पैसा मार्केट में लगा रहा है और पैसा कमा भी रहा है, ठीक है ना। उसका लाभ, पूरा जो लाभ है इसी को मिल रहा है, बस जो काम करने वाले हैं उनको क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। लेकिन ये जितना पैसा कमा रहा है उतना ही ज्यादा ये सर गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। तो जब गवर्नमेंट के पास जितना ज्यादा टैक्स जाएगा तो अपने देश की जो आर्थिक स्ट्रक्चर है ना, वो और ज्यादा ऊपर होता जाएगा। यदि यही समाजवाद आ जाए तो ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्योंकि समाजवाद समानता के अधिकार पर काम करता है, ये समानता के अधिकार पर काम नहीं करता, यह उस व्यक्ति को उसके काम के हिसाब से पैसा देता है। 8 घंटे काम करने वाले को कम, 10 घंटे काम करने वाले को ज्यादा पैसा देता है ना। दूसरी चीज इसमें एक एम होता है, लक्ष्य निर्धारित, इतने समय में ये काम हमको करना है, इसमें एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमको एक दिन में या अपना लक्ष्य बनाए, एक महीने में अपने टारगेट को अचीव करना ही करना, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है। वही सोशलिज्म वाले जो समाजवाद वाले देख के बोलते हैं कि मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, समाजवाद वालों का कहना है काम सब करते हैं, सारे मजदूर करते हैं, श्रमिक करते हैं, कर्मचारी करते हैं, लेकिन जो पूरा टर्नओवर लाभ है वो किसके पास चला जा रहा है, जो पैसा लगा रहा है, निवेशक के पास। वो ये चीज का विरोध कर रहे हैं कि जो लाभ हो रहा है पूरा का पूरा लाभ किसको हो रहा है, निवेशक को हो रहा है, जो पैसा लगाने वाले को हो रहा है। देखो कैसे मुस्कुराते हैं, एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है ना, दोनों है, एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में पैसा लगाता है, और मार्केट में पैसा इसका लगाने का उद्देश्य होता है कि मुझे मार्केट से डबल कमाना है, कोई समाज सेवा के लिए नहीं लगा रहा है ना। सीधा सीधा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो पूंजीपति है, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो निजी होती है, व्यक्तिगत होती है, और इसका उद्देश्य होता है बाजार से में पैसा कमाना, लाभ कमाना, मार्केट से और अपनी मार्केट में वैल्यू, अपनी वैल्यूएशन स्थापित करना। जबकि समाजवाद कहता है समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग को लाभ हो, समाज एक साथ मिलकर चले और अमीर गरीब के बीच का जो फासला हो कम हो जाए। तो उसका ऐसा मानना है कि पूंजीवाद के कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन श्रमिकों की, गरीबों की कमर टूट जाएगी और सिर्फ दुनिया में अमीरों का ही राज होगा। एक कैपिटलिज्म की डिफिनीशन है, परिभाषा है ना, इट इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन द फेस द प्रोवाइड ऑफ द इंडिविजुअल, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है ना, ओन आर ऑफ द मटेरियल मीन्स ऑफ द
प्रोडक्शन एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द अंडरटेकन फॉर द